अभी तक के जो हमारा मानसून का सीजन है उसमें सूरत जिला में बारिश रुक रुक हो रही है, और जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है और ना जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो विभागों से आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं उसमें कृषि विभाग में 13.5 लाख के करीब, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का 30 लाख के करीब, JSV का 8.5 लाख, बिजली बोर्ड का 20 लाख, फिशरीज 12 लाख, PWD का कोई 10 लाख के करीब उन्होंने लॉसेस रिपोर्ट किया जो उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। इसके अलावा 4 डेथ्स हुई है हमारे जिला में। 2 डेथ्स हमारी जो हुई है वो ड्राउनिंग से हुई है, एक लैंडस्लाइड की वजह से एक आदमी की डेथ हुई है और एक आदमी की डेथ बिजली का करंट लगने से हुई है। इसके अतिरिक्त 2 इंडस्ट्रियल मिसहैप्स हुए, जो फैक्ट्रियों में मजदूर थे वहाँ पे उनको किसी कारण वहाँ पे डेथ हो गई है। और जहाँ तक घरों का नुकसान है, अभी तक 3 घर पार्शियली डैमेज हुए हैं, उसमें एक घर का है तो घर कच्चे हैं, तो अभी तक ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। ये इतना नुकसान वर्षा ऋतु में आम है। NH की क्या स्थिति सर, क्योंकि पहाड़ी की तरफ को लैंडस्लाइड तो हो ही रहे बीच बीच में। NH अभी चल रहा है, अभी एक दिन बारिश की वजह से 15-20 मिनट के लिए रुका था, चक्की मोड़ पे कुछ वहाँ पे पत्थर गिर गए थे और तुरंत उसको खोल दिया गया था। अभी यातायात नेशनल हाईवे नंबर 5 पे सुचारू रूप से चल रहा है। हमने NHAI को ये निर्देश दिए कि अगर भारी बारिश हो तो जो हिल साइड वाले लेन है उसको बंद कर दिया जाए एज एहतियात के तौर पर, क्योंकि कई बार पत्थर गिरते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ी रहती है। बाकी लोकल सड़कों की बाकी हमारी सारी सड़कें खुली हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर सब ठीक है, IPH की सारी स्कीम्स फंक्शनल है, तो कोई ऐसा अभी कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट या कोई अभी कोई समस्या इन क्षेत्रों में नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।